सब्जेक्ट साइंस क्लास फोर्थ चैप्टर फाइव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आगे हमने द रूट के बारे में जान लिया है। रूट के जो मेन फंक्शंस जो होते हैं उनके बारे में भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने अदर फंक्शंस ऑफ द रूट्स के बारे में जाना था। बनियन ट्रीज जो है उनके जो रूट्स जो होते हैं उनको प्रोप रूट्स कहा जाता है, और मनी प्लांट के जो रूट्स जो होते हैं उनको क्लाइंबिंग रूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमने द स्टेम्स के बारे में जाना था। स्टेम के थ्री मेन फंक्शंस जो होते हैं उनके बारे में जाना था, और उनके जो अदर फंक्शंस जो होते हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया है। नेक्स्ट हमने द लीफ के बारे में जाना था। द लीफ हैज़ थ्री जॉब्स। लीफ के तीन काम होते हैं उनके बारे में हमने देखा था, और उनके अदर जॉब्स ऑफ द लीफ उनके अन्य जो काम जो होते हैं लीफ के उनके बारे में भी हमने जान लिया है। नेक्स्ट हमने द फ्लावर के बारे में जाना था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द सीड। सीड मीन्स बीज। द सीड स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट विच इज इनसाइड इट। द सीड मीन्स बीज जो है वो बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर्स करता है जो इसके अंदर है। जमीन के अंदर हम सीड को बोएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? बेबी प्लांट निकलेगा। इट इज कवर्ड बाय अ टफ स्किन कॉल्ड द सीड कोट। सीड को टफ स्किन द्वारा कवर्ड किया जाता है जिसे सीड कोट कहा जाता है। आप लोगों को जो ये पिक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं उसमें जो फर्स्ट जो पिक्चर है वो है ग्राउंड नट मूंगफली। उसकी जो ऊपर की जो टाइट स्किन मींस ऊपर की जो उसकी जो स्किन होती है उसको सीड कोट कहा जाता है। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट एंड इट्स फूड। सीड कोट जो है वो बेबी प्लांट एंड उसके फूड की रक्षा करता है। एक एक्टिविटी है जो आप लोग कर सकते हैं। सोक सम बीन्स एंड ग्राम्स ओवरनाइट। कुछ बीन्स एंड ग्राम्स को रात भर भिगोए पानी के अंदर। द सीड्स विल एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम सॉफ्ट। सीड्स जो है वो पानी को अवशोषित करेंगे और सीड सॉफ्ट हो जाएंगे। पील ऑफ द सीड कोट। सीड्स के ऊपर जो सीड कोट मींस जो स्किन होती है सीड की उनको निकालें। यू विल सी दैट ईच सीड हैज टू पार्ट्स। आप देखेंगे कि प्रत्येक जो सीड जो है उनके दो भाग होते हैं। आप लोगों को जो ये पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें जो फर्स्ट जो है वो है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट की जो स्किन होती है जिसको सीड कोट कहा जाता है उनको हम निकालेंगे तो हमें ग्राउंड नट के दो पार्ट्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है ग्राम का जिसको चना कहा जाता है, उनके ऊपर की अगर हम स्किन को निकालेंगे तो उनके भी हमें दो पार्ट्स दिखाई देंगे। दीज आर कॉल्ड सीड लीव्स और कोटिलीडन्स। इन्हें सीड लीव्स या कोटिलीडन्स कहा जाता है। सीड्स के दो जो पार्ट्स होते हैं उनको सीड लीव्स या कोटिलीडन्स कहा जाता है। जेंटली पुल द सीड लीव्स अपार्ट। धीरे से सीड लीव्स को अलग करें मींस दो पार्ट्स करें। यू विल सी द टाइनी रूट एंड शूट ऑफ द बेबी प्लांट इनसाइड। आप बेबी प्लांट की टाइनी रूट मींस छोटी रूट और शूट देखेंगे। आप इस पिक्चर को देखिए जो रूट एंड शूट दिखाई दे रहे हैं। द बेबी प्लांट रेस्ट्स इनसाइड द सीड अंटिल इट कैन ग्रो। बेबी प्लांट तब तक सीड के अंदर रहता है जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। When the seed finds water, warmth and air, the seed coat sprouts. जब सीड में पानी गर्मी और हवा लगती है तो सीड कोट मीन्स जो सीड की जो स्किन होती है वो बिखर जाती है। And it is
time for the seedling to grow out of the seed. और यह अंकुर के बीज से विकसित होने का समय है. To begin with, the baby plant uses the food stored in the seed. शुरुआत करने के लिए बेबी प्लांट जो है वो सीड में जो स्टोर जो फूड होता है उनका उपयोग करता है. Then it grows its own leaves and start making food. Then प्लांट्स जो है वो अपने लीव्स को उगाता है और फूड बनाना स्टार्ट करता है. नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ सीड्स मीन्स जो बीज जो होते हैं उनका बिखराव कैसे होता है. मीन्स बीज जो है प्लांट का वो एक जगह से वो दूसरी जगह पे उसका बिखराव कैसे होता है, वो कैसे फैलता है. If the seeds of a plant fell right under it, most of the seedling would die. यदि किसी प्लांट का सीड ठीक उसके नीचे गिर जाता है तो अधिकांश जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं. सीड्स को उगने के लिए उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, सनलाइट चाहिए, मॉइस्चर चाहिए. तो जो ट्रीज जो होते हैं उनके नीचे जो सीड गिरेंगे तो ट्रीज जो होते हैं वो सीड को ढक लेते हैं. तो उनको सीड को टेम्परेचर, सनलाइट एंड मॉइस्चर जो है वो उसको नहीं मिलता है. तो सीड जो है वो डाई मीन्स मर जाते हैं. मीन्स वो सीड में से कोई प्लांट नहीं होगा. द पेरेंट प्लांट वुड शेड देम फ्रॉम द सन. पेरेंट प्लांट मीन्स जो प्लांट में से सीड होता है, बीज होता है, तो वो बीज का वो प्लांट क्या हुआ? पेरेंट प्लांट हुआ. तो पेरेंट जो प्लांट है वो उनके नीचे ही अगर सीड गिरेंगे तो वो सीड को क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं. तो उसको क्या? सूर्य की रोशनी उसको नहीं मिलती है. एंड द बिग रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट वुड एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो पेरेंट प्लांट जो होता है उनकी जो बिग रूट्स जो होती है वो मिट्टी के अधिकांश वाटर और जो मिनरल्स है उनको अवशोषित कर लेते हैं. द टाइनी सीडलिंग्स वुड गेट नो सनलाइट, वाटर और मिनरल्स. टाइनी सीडलिंग्स मीन्स जो छोटा जो पौधा होता है उनको टाइनी सीडलिंग्स कहा जाता है. उनको सूरज की रोशनी, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स नहीं मिलेंगे. अगर ये चीज़ उसको नहीं मिलेंगी तो जो सीड है वो डाई मीन्स मर जाता है, उसमें से कोई न्यू प्लांट नहीं होता है. दिस इज व्हाई नेचर हैज़ फाउंड वेज ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स फार अवे फ्रॉम द प्लांट दैट प्रोड्यूस देम. यही कारण है कि नेचर ने मीन्स प्रकृति ने इन पौधों को दूर से बिखरने के तरीके ढूंढ लिए हैं जो उन्हें पैदा करते हैं. मीन्स अगर प्लांट के जो सीड्स जो होते हैं उनके नीचे ही गिरेंगे तो मोस्ट ऑफ दी जो सीड्स जो है वो डाई मीन्स मर जाते हैं, उसमें से कोई भी प्लांट नहीं होता है. तो नेचर ने भी उसको स्कैटरिंग मीन्स फैलने के लिए भी तरीके ढूंढ लिए हैं. मीन्स वो प्लांट के जो ट्रीज के जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचते हैं, तो उनके भी तरीके हैं. फर्स्ट The seeds of many plants lie inside juicy, colorful fruit. कई पौधों के बीज रसदार रंगीन फलों के अंदर होते हैं. We and other animals eat this fruit and throw away the seeds. हम और अदर एनिमल्स मीन्स अन्य जानवर जो है वो फ्रूट्स को खाते हैं और बीजों को फेंक देते हैं. तो वो बीज को हमने या एनिमल्स ने फेंका वो बीज को, तो वो बीज को मिनरल्स, वाटर, सनलाइट अगर मिलेगी तो वो सीड में से क्या होगा? प्लांट होगा. वो सीड ग्रो होगा और इसमें से प्लांट होगा. दिस इज वन वे इन विच सीड्स ट्रैवल फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. यह एक तरीका है जिसमें से
जो सीड जो है वो पेरेंट प्लांट से बहुत दूर जाते हैं। सेकंड, सम सीड्स हैव हुक्स और ब्रिसेल्स दैट स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स। कुछ सीड में हुक्स मींस कंटीले या तो ब्रिसेल्स मींस उसमें बाल होते हैं जो जानवर एनिमल्स के जो फर होते हैं उसमें चिपक जाते हैं। यदि बीज में हुक्स मींस जो वो बीज जो है वो कंटीले होते हैं तो कोई गुजरता हुआ प्राणी उसे ले जाता तो बीज जो है वो प्राणी के शरीर के फर में चिपक जाता है तथा बाद में दूसरे स्थान पर वो बीज जो है वो गिर जाता है, फिर वहाँ पे वो बीज से प्लांट होता है। इसको एनिमल्स द्वारा बिखराव कहा जाता है, मींस एनिमल्स से जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचते हैं। दे स्टिक टू आर क्लोथ्स टू एंड गेट कैरिड अवे। वे हमारे कपड़ों से भी चिपके रहते हैं। कुछ प्लांट्स के जो बीजों जो है सीड्स जो है उसमें हुक्स होता है, मींस वो कंटीले होते हैं जो हमारे कपड़े में भी चिपक जाते हैं। द सीड्स ऑफ कॉटन एंड सम अदर प्लांट्स हैव हेयर ग्रोइंग आउट ऑफ देम। कॉटन मींस कपास एंड अदर प्लांट्स जो है उनके बीजों से उनके जो सीड्स जो होते हैं उसमें से क्या निकलते हैं, हेयर, फ्लफी हेयर, मींस जो वाइट कलर के आप लोगों को सॉफ्ट सॉफ्ट जो दिखाई दे रहे हैं उसको फ्लफी हेयर कहा जाता है। तो कॉटन एंड अन्य जो प्लांट्स जो है उसके सीड्स में से क्या उगते हैं, फ्लफी हेयर। दिस हेल्प्स देम फ्लाई फार अवे विथ द विंड। इससे उन्हें हवा के साथ दूर तक उड़ने में मदद मिलती है। सीड्स जो है वो हवा द्वारा उड़ा लिए जाएंगे जो नए स्थान पर पहुंचता है और वहां पे बढ़ता है। इसको हवा द्वारा बिखराव कहा जाता है, मींस सीड जो है वो हवा के माध्यम से उड़ के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। फोर्थ, द सीड्स ऑफ लोटस, वाटर लिली एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर कैन फ्लोट। लोटस, वाटर लिली एंड पानी में उगने वाले अन्य प्लांट्स के जो सीड्स जो होते हैं वो तैर सकते हैं, मींस सीड्स जो है बीज जो होते हैं वो पानी में बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचकर उगने लगते हैं। दे आर कैरिड बाय वाटर, उन्हें पानी से ले जाया जाता है। कोकोनट्स, टू कैन फ्लोट, वन आर कैरिड बाय वाटर। कोकोनट्स मींस जो नारियल भी जो होते हैं वो भी पानी में तैर सकते हैं और उनको पानी द्वारा ले जाया जाता है। इसे पानी द्वारा बिखराव कहा जाता है, मींस सीड्स जो है वो पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह पे वो पहुंचते हैं और वहाँ पे वो उगते हैं, इसलिए इसको पानी द्वारा बिखराव कहा जाता है। सो सीड्स आर स्कैटर्ड बाय एनिमल्स, विंड एंड वाटर। बीज जो है वो एनिमल्स, विंड मींस हवा और वाटर मींस पानी से बिखरे हुए हैं। यहाँ हमारा चैप्टर 5 पूरा होता है। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।